भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं, ये सुविधा की राजनीति करने के आए। सर आप अर्जुन राम मेघवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे और विधानसभा में भर्तियाँ निकली थी, क्या वो फेयर भर्तियाँ हुई थी? बिल्कुल फेयर हुई थी। बिल्कुल फेयर नहीं हुई थी वो भर्तियाँ। एक शिकायत एक शिकायत हो तो बता दो। आपके अलावा बीजेपी में और किसको तिरस्कृत किया जा रहा है और कौन से नेता हैं जिनकी अनदेखी हुई है और क्या उसमें वसुंधरा राजे जी शामिल हैं? वसुंधरा राजे की जितनी अनदेखी हुई है, जितना अपमान हो रहा है उसका आज तक किसी का नहीं हुआ। अब वो उसको मान नहीं रही है, इसका मेरे पास क्या इलाज है? वो मीटिंग में जा रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसको बोलने का ही मौका नहीं दे। सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 72 ईयर का जो नियम बनाया गाइडलाइन की है उसके अनुसार आपका टिकट कटने की संभावना, इसलिए शायद आपकी नाराजगी है? मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं फील्ड में आज भी हूँ और उम्र का जहाँ तक तकाजा है, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी जीतने वाले लोग थे उनको 91 साल की उम्र में टिकट दिया है, 90 साल में भी दिया है, 88 साल में भी दिया है। इसलिए मेरी जिस तरह की स्थिति है, मैं अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1,00,000 की लीड से जीत के आऊंगा, ये मेरी वहां की स्थिति है। मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इस गुटबाजी में, जो गुटबाजी राजस्थान की है, उस गुटबाजी से मुझे अगर अनदेखा करेंगे तो मैं उस अनदेखा पढ़ने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैडम है उनके पूरी तरीके से अनदेखा किया जा रहा है, तो क्या इस चुनाव में जो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा चुनाव से कितना फर्क पड़ेगा भाजपा को? एक सेकंड रुको ना यार, कितना जो है उनको अनदेखा करने का जो बीजेपी को नुकसान होगा? बात ये कि आज इतना कंफ्यूजन राजस्थान की राजनीति में हो रहा है, इतना कंफ्यूजन मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा। सब तरफ से जिस तरह की जो है बातें हो रही है वो कंफ्यूज रहे। अब बताता इन 2-2.5 महीने में किसके पक्ष में जो है अपना मन बताता है। आपका आकलन क्या है? आपका आकलन? मेरा आकलन मैं नहीं बता सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आप जो है काफी सीनियर नेता हैं। है लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आपको निष्कासित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया है? कर दिया? अच्छा कर दिया तो फेस करेंगे? नहीं, अब क्या करेंगे? अब मेरे कार्यकर्ताओं से राय लूंगा क्या करना क्या नहीं। बहुत अच्छा, स्वागत। और ये भी मैं आपको दे दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा डिस्कशन किया है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वहाँ उसको 1,000 वोट से हराऊंगा। मेघवाल जी ऐसा तो नहीं है, ये शाहपुरा में अर्जुन राम मेघवाल बहुत सक्रिय थे तो आपको ये नागवार गुजरा, शाहपुरा आपके निर्वाचन क्षेत्र में था, थे ना अर्जुन राम मेघवाल? अर्जुन राम जी मेघवाल मुझे उखाड़ने में लगे हुए थे पूरी तरह, वहाँ एक के बाद एक वृद्ध के, वो गुटबाजी का सवाल था, यहाँ का जो एक गुट था उस गुट ने उसको प्रोत्साहन दिया जो मेरे खिलाफ था, ये सब मैंने विस्तार से लिख रखा। चिंता ही कांग्रेस में जाने का सोच रहे हैं क्या? है कांग्रेस में जाने ये अभी सोचने का सवाल नहीं। कार्यकर्ताओं से राय लिया, संबंध भी अच्छे हैं अशोक गहलोत से, मेरे किससे खराब है? नहीं, वो तारीफ कर चुके हैं। मेरी 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 राजनीति भाईचारे की राजनीति नहीं है और भाईचारे की राजनीति में मेरे सारे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता है उनको प्रति मेरा रेस्पेक्ट भी है और अच्छे मेरे सबसे संबंध है। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मेरे साथ कोई दुराव हो या कटुता की या शत्रुता की कोई मेरी भावना हो, ऐसा है ही नहीं। गहलोत तो तारीफ कर चुके हैं, आपने उनकी सरकार बचाई थी, तारीफ कर चुके हैं आपकी। हाँ बचाई थी, मैंने जो एक वक्तव्य दिया इसमें लिख रखा है, जब इनके हेरा फेरी चल रही थी, टिकटों की खरीद फरोख चल रही थी, उस समय मैंने एक वक्तव्य दिया था, वो वक्तव्य आपके पास है, उसको आप पढ़ लेना, उस वक्तव्य से ही वो सरकार बची थी। मेघवाल साहब, कैलाश मेघवाल जैसा बड़ा नेता अर्जुन राम मेघवाल से कैसे घबरा गए? कैलाश मेघवाल इतने बड़े नेता है, अर्जुन राम मेघवाल से कैसे घबरा गए? कौन घबरा रहा है? या गुटबाजी में मुझे जो है अनदेखा किया जा रहा है?
यार गुटबाजी एक के बाद आप देख लेना, मैं कभी हीरो था, मेरे इस लेटर का हेडिंग देखो, मैं कभी हीरो था, आज मैं हूँ जीरो। और मुझे जीरो कैसे बनाया गया है इस गुटबाजी में, जो उसने विस्तार से लिखा है मैंने। सर आज जिस तरह का माहौल चल रहा है बीजेपी पार्टी में, जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हो, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अंदर, क्या कांग्रेस की सत्ता हो सकती है राजस्थान में? भविष्यवक्ता नहीं हूँ।